हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका स्वागत है। एंड इस वीडियो में एक ब्रेकआउट स्टॉक है। अगर बात करूँ तो मैं ये वीडियो मॉर्निंग में ही बनाना चाहता था और बताना चाहता कि ब्रेकआउट होने वाला है शेयर में, और ये शेयर अपने मतलब अच्छा खासा है, भागेगा। और देखा जाए तो आज उसने ब्रेकआउट किया भी और लगभग 6% भागा भी, और मुझे लगता है कि वो अभी और भागेगा क्योंकि ब्रेकआउट जस्ट उसमें हुआ है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र एज वेल एज़ खुद की स्टडी करिए। मेरी स्टडी है, ओके, मुझे जो लगा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी वो शेयर है और मैं आज की डेट में बढ़ाने वाला था और बाई चांस वो टारगेट उसमें हिट नहीं हुआ और वो भाग गया वहाँ से। तो कोई इशू नहीं है, मंडे को मैं उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो ब्रेकआउट है वो। और इसी तरीके के बहुत सारे ब्रेकआउट अगर देखे तो चार्ट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई विल शो यू। 2-3 दिन तक आप लगातार वीडियो में बने रहना, ओके। आप ब्रेकआउट स्टॉक्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे ब्रेकआउट मतलब अच्छा अच्छा गेन आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा आपको स्टडी करनी होगी, दैट्स इट। बाकी मैं भी आपकी तरह ही दूसरे लोगों से या फिर कैसे भी मैं सीखता हूँ, बुक से सीखता हूँ या दूसरे लोगों से सीखता हूँ, तो इसी तरीके से आप भी सीखिए और सीख के आप काम करिए। अच्छा खासा पैसा मार्केट से बनता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर बातें करें कल की डेट में यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज आई थी जो आप लोगों ने देखा भी और प्यार भी दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मल्टी पैकर शेयर यही भागता हुआ नजर आया। एस्ट्राजेनिका डोंट वरी, 2-4 दिन में रिजल्ट है इसके, भागेगा। एज वेल एज लॉन्ग टर्म का व्यू मैंने चार्ट आपको बताया ही है कि कितना भाग सकता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर। सबसे पहले 1:1 का बोनस 2006 में दिया है कंपनी ने। बात करें स्प्लिट की तो कंपनी ने देखिए यहाँ पर 2008-2004 में एक और मतलब दो बार यहाँ पर स्प्लिट भी कंपनी दे चुकी है। तो कंपनी ऐसी देखिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो उसी कंपनी में आपको ऐसे ब्रेकआउट ढूंढने और ऐसे ब्रेकआउट ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करना है, तब आप फायदा है। किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये शेयर काफ़ी स्ट्रांग भी है। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए 6% का यहाँ पर 7% का यहाँ ब्रेकआउट हो गया। मैंने 92 पे यहाँ पर लगाया था अपना, और वो 92 आई थिंक आया ही नहीं उसके बाद, 92.5 के आसपास तो मैंने देखा भी नहीं और वो भाग गया। यहाँ पर देखे तो 61% की डिलीवरी, 4,005,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी की तो यहाँ पर देखिए 2018-19-20 में यहाँ पर डिविडेंड कंपनी छोटा ही डिविडेंड देती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर देखते हैं तो फाइनेंशियल रिजल्ट 26 मई को है, 26 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। एज वेल एज बात करें 75% की शेयर होल्डिंग का प्रमोटर्स के पास है और कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। और कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है जे टी ई के टी। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, करती क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। नाम देख के मत भाग जाना क्योंकि इसमें आगे आपको काफी सारी चीजें, ब्रेकआउट क्या है, किस लेवल तक जाएगा, टारगेट तक इवन आई विल टेल यू। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर देखिए यहां पर ये ऑर्डर लगाया था और यहां पर से यहां पर ये शेयर भागता हुआ 91 पे शायद मैंने ऑर्डर लगाया था और ये 91 आया ही नहीं और इसके बाद यहां पर भागता हुआ नजर आया। यहां पर आप देख सकते हैं शेयर 97 के आसपास यहां पर चल रहा है। एज वेल एज अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहां पर आपको दिख जाएगा, एक मिनट दीजिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है, ओके, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी ये ब्रेकआउट होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों से रिलेटेड, देखिए ये जो JTEKT है ये ऑटो मतलब ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड ये शेयर है। एज वेल एज बात करें इसके बड़े बड़े मतलब ये शेयर देखिए, एक तो आई थिंक ये JTEKT नॉर्थ अमेरिका मतलब ये आई थिंक जापान वगैरह की कंपनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इनके जो कस्टमर है, ओके, इनके कस्टमर इंडिया में मारुति ही है, मारुति है, टोयोटा है आई थिंक। तो ये काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर इनके क्लाइंट्स भी है। तो इसकी वेबसाइट को एक बार देखना, पढ़ना, देन यू विल फाइंड आउट कि कंपनी का एग्जैक्टली है क्या। अगर बात करें ऐसी ही कंपनी मदरसन सोमी भी है, बट मदरसन सोमी को ज़्यादा वेटेज मिलता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और JTEKT को इतना नहीं मिलता, बट स्टिल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें बस उस ब्रेकआउट तक रखना है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मारुति सुजुकी, महिंद्रा 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 महिंद्रा
टाटा मोटर्स, फीएट, टोयोटा, ओके जनरल मोटर्स, जॉन डीर, मतलब इतने बड़े बड़े यहाँ पर इसके यहाँ पर क्लाइंट्स हैं। एज वेल एज बात करें देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, एज वेल एज यहाँ पर बात करें 9% का डेट है, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है और 7% की ROCE है। और कंपनी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर देखिए इनके कॉम्पिटिटर यहाँ दिख जाएंगे। कंपनी का हाईएस्ट एवर यहाँ पर अगर बात करें पिछले बस एक बार यहाँ पर आया था और एक बार यहाँ पर आया था, इसके बाद से कंपनी यहाँ पर गिरती हुई नजर आई और अभी दोबारा कंपनी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है मतलब अपना अपना बेस्ट देने का। और यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर ही नज़र आ रहा है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर इस पीरियड को छोड़ दें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट की बात करें कंपनी देखिए वो केवल 1% का 1 करोड़ का इंटरेस्ट देती है, ज़्यादा कंपनी इंटरेस्ट भी नहीं देती। सेल्स की बात करें सेल्स भी अच्छी खासी है कंपनी की, ओके अभी गिरती हुई नजर आई थी यहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक रीजन था, बट यहां पर दोबारा ये बढ़ती हुई नजर आएगी अकॉर्डिंग टू मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहां पर अगर बात करें यहां पर 81 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट भी कंपनी दिखा रही है यहां पर देखिए आप। और ऑब्वियसली बात है ऑटो के शेयर चल रहे हैं तो और बड़े बड़े क्लाइंट है तो ये शेयर भी ये कंपनी भागती हुई नजर आएगी। इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है इतना मतलब जिसे लोग ना जानते हो। यहाँ पर अगर बात करें रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, अपना डेट कम किया है, 48 करोड़ रुपीज़ का डेट है केवल कंपनी के पास। अगर बात करें कैश की तो कंपनी के पास यहाँ पर 17 करोड़ का कैश है, ट्रेड रिसेवल 231 करोड़ रुपीज़ का आता हुआ दिखाई दिया है। ओके यहाँ पर बात करें कंपनी देखिए फिक्स एसेट बढ़ रहा है, मतलब अपने आप को कंपनी एक्सपेंड करने में भी लगी हुई है, इस को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्सपीएल बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% और यहाँ पर देखें 2018 में तो उन्होंने यहाँ से बढ़ा के सीधे मार्च 2019 में 75% कर ली होल्डिंग। यहाँ पर देखेंगे तो जेटी इक्विटी और मारुति सुजुकी, यहाँ पर देखें मारुति सुजुकी ने यहाँ पर 5.64% की होल्डिंग यहाँ पर रखते हैं। तो मारुति जब सुजुकी यहाँ पर ले रही है शेयर तो ऑब्वियसली बात है ये सारे यहाँ पर ही इनके प्रोडक्ट्स यूज करती हुई नजर आएगी। FIIs की बात करें तो यहाँ पर 4% की हिस्सेदारी है, DIS की बात करें 3.89% की हिस्सेदारी है, ओके जिसमें निपॉन लाइफ जो कि आपको पता ही है कितने मतलब HDFC से भी अच्छे, अगर HDFC AMC से भी अच्छे रिजल्ट इसने निपॉन ने देते हुए दिखाई दिए इस बार। और अगर बात करते हैं पब्लिक की तो पब्लिक के पास मुकुल अग्रवाल ने 1.29% की हिस्सेदारी रखी है, बाकी 16% अगर बात करें 80% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास नज़र आती है। तो ये तो हो गया इसका ब्रीफ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेक्निकल्स की तो बहुत बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मिनट दीजिए मुझे, तो यहाँ पर देख लीजिए ये एक ब्रेकआउट यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ शेयर। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर और ये इसका ऑल टाइम हाई हम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई है इसका यहाँ पर, ओके 145 का ऑल टाइम हाई है और 95 के आसपास ये शेयर अभी चल रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट क्या है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रेकआउट इसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पर वो बनता हुआ नज़र रहा है, यहाँ पर बन गया इसका ये शोल्डर और यहाँ पर इसका बन रहा है ये हेड, ओके और इसके बाद ये शेयर दोबारा यहाँ पर बनाता हुआ दिखा रहा है अपना शोल्डर। तो यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर शेयर मतलब इनका पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है ना तो ये शेयर भागते हुए नज़र आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम ये देखते हैं इसकी नेक लाइन से यहाँ पर उठा के इसे यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 61% मतलब कितना 153 रुपीज़ तक ये शेयर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है ना इसको भी टच इसे भी पार करता हुआ नज़र आ रहा है और ये कहाँ पर जाके रुक रहा है लगभग 155 रुपीज़ पर। तो 150 के आसपास ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है। आई एम ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव बॉट द शेयर और भी क्वान्टिटी मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रेकआउट है वो भी बताऊँगा यहाँ पर। तब देख सकते हैं सीधे अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बन रहा है और कितना टाइम लगेगा अगर इसे पहुँचने में अगर 6 महीने भी लग जाए और 61% के रिटर्न आपको मिल जाते हैं और 1 साल भी लग जाता है और 1 साल में भी आपको 61% के रिटर्न मिल जाते हैं, नॉट अ बैड डील अगर बात की जाए यहां पर सॉरी
हम 30% 20% में खुश रहते हैं लॉन्ग टर्म में, कि 20% का प्रॉफिट मिल जाए, ओके HDFC 20% का प्रॉफिट दे दे, रिलायंस 30% का प्रॉफिट दे दे, हम इस तरीके में खुश रहते हैं। बट आपको जहाँ पर 61% का प्रॉफिट मिल रहा है और एक साल में भी 61% का प्रॉफिट मिल गया, तो इस तरीके के शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी स्टडी करके आप करेंगे तो आप अच्छा और भी अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। वहाँ पर रिवर्स एंड शो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर इसने टच कर दिया है, बस यहाँ से निकलने की देर है, ओके ये निकलता हुआ नजर भी आ रहा है मुझे, और यहां पर ये शेयर इसके रिजल्ट भी है, और रिजल्ट में तो ऑब्वियसली बात है और भागता हुआ नजर आएगा। और यहां पर बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी कुछ शेयरों में और भी बहुत सारे में बैट लगाई थी, आज वो भागते हुए नजर आया, तो उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे आने वाली वीडियोज में, या कल की डेट में, या परसों की डेट में। तो यहां पर स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, ओके। और वीडियो में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए, मेरी स्टडी थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।